माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। शाम 7 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है, कंपनी का जो 5 करोड़ का नुकसान है उसे भर दो, अदरवाइज कंपनी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अहम तुम्हारा करियर, तुम्हारा बिजनेस है। सब चीजों को भुलाकर उस पर तवज्जो दो। हाँ फिर रूठो को मनाने की तो सारी जिंदगी पड़ी है, सही वक्त आए तो मना लेना उन्हें भी। इसका जवाब मैं अब तुम्हारे अभी भी तलाश नहीं कर पाए। कि किसकी नजर लगी हमारे घर को? क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्यों मुझको सताए औलाद। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ज़किया जमानत नहीं करा सका मैं उसकी, उसने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म कर लिया। हमारी औलाद ने तो हमारी सारी तरबियत और सारे उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। किसी काबिल नहीं छोड़ा, सिवाय मुश्किलों के हमें दिया ही क्या हमारी औलाद ने। खैर ऊपर है ना अल्लाह, बेटा वो हमें निकाल लेगा इस मुश्किल से। I'm so sorry, beta. मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ और बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की। इसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं अब्बू, ऐसे नहीं बोले। नहीं कह सकता बेटे कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बेटा। जैसे रोशना है मेरे लिए, वैसे तुम हो मेरे लिए बेटा। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ऐसा है तो फिर आप मेरे साथ चलें हमारे घर। बेटा अच्छा तो नहीं लग रहा मना करना, मगर उस घर में कैसे जा सकते हो जहां से हमारे बेटे ने हमें निकाला? नहीं अब्बू, वो सब पुरानी बातें। खुर्रम आज आप सबसे माफी मांगकर आप लोगों को घर लाने वाले थे, मैं तो सारी तैयारी भी कर चुकी थी। अब्बू प्लीज, अब्बू प्लीज इनकार मत कीजिए।
अपनी बेटी की ख्वाहिश समझकर ही मान जाए। चलिए घर। मुझको सताए औलाद ये क्यों मुझको सताए औलाद ये क्यों मुझको सताए औलाद ये क्यों मुझको सताए औलाद ये क्या मेरी खता है बता मुझे मुझको सताए औलाद ये क्यों मुझको सताए औलाद ये इतने इंटेंस माहौल में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं। बेटा इस दिन का तुम्हें कितनी बेताबी से इंतजार था। लेकिन भैया की वजह से मुझे लगता है मैं इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगी। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है। परेशानियों से हार कर हम जीना तो नहीं छोड़ देते ना। ये लो, मैंने तुम्हारी दोनों प्लॉट्स की फाइल्स बुक करा ली हैं। यार इमरान कोई टेंशन तो नहीं है ना? सब सही होगा ना? भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं, भरोसा है लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें लगा दी, यहाँ तक कि अपना फ्लैट भी गिरवी रखवा दिया। देखो रिस्क फैक्टर तो बिजनेस का एक हिस्सा है लेकिन जहाँ तक मेरा तजर्बा है इस प्रोजेक्ट में पूर्व वक्त मार्जिन 90% का है। अल्लाह पर तवक्कल रखो और इंतजार करो। देखो रातों रात इस प्लॉट की फाइलें कैसे आसमानों को छूती हैं। इंशाल्लाह। यार क्या सिर्फ बातों से ही काम चलाओगे या कोई चाय पानी का भी बंदोबस्त है? शॉर्टलिस्ट किसने किया है? कादिम साहब को इनके एकेडमिक रिकॉर्ड देख के अंदाजा नहीं हुआ कि वो इस पोस्ट के अहल नहीं है? अब मैं आखिरी इंटरव्यू लूंगा और इस बार भी अगर कोई बिलो एवरेज कैंडिडेट आया तो बाहर बैठे तमाम कैंडिडेट्स को वापस भेज देना और अखबार के अंदर इंटरव्यूज की नई डेट्स अनाउंस कर देना। अब की बार इंटरव्यूअर्स को मैं खुद चूज करके शॉर्टलिस्ट करूंगी। अब जाइए और नेक्स्ट कैंडिडेट को अंदर भेजिए। यस सर। ओके मिस रोशना जलाल, आप इंटरव्यू के लिए अंदर चली जाएं। आप इनको ऑफिस में ले जाएं। आइए मैम।
कम इन सर। यस कम इन। Okay, please. आप इंटरव्यूज देने आई हैं ना, जा क्यों रही हैं? मुझे पता होता कि आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं कभी ना आती यहाँ। देखिए, मुझे पता है मेरा यहाँ होना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, पर मुझे यूं शर्मिंदा तो मत कीजिए। कुछ ही देर के लिए सही, आप भूल जाइए कि आप मुझे जानती हैं, मुझसे मिली हैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों इजाजत दी तुमने उसको इस बात की? तो क्या करती? मना कर देती, साफ साफ कह देती कि अब इस घर में किसी को नहीं आने दूंगी। अम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं अपने हाथों से अपनी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा दूं, बिलाल के दिल में अपने लिए नफरत भर दूं? ऐसे कैसे नफरत करेगा वो तुमसे? आपको क्या लगता है मैं उसके माँ बाप को यहाँ आने से रोकूंगी तो वो मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरा साथ देगा? नहीं, बल्कि मुझे तो इस बात का बहुत डर है कि कहीं मैंने ऐसी वैसी कोई बात उसके सामने कर दी तो वो कहीं हमारी सारी हरकतें उसके सामने ना खुल के आ जाए। इतने हेले बहानों के बाद तो यहाँ से सबको निकालने में कामयाब हुए थे। मैं सोचा था महारानी बनके अकेले यहाँ राज करोगी, तो मुझे तो लगता है सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने। अब वो सब यहाँ आ जाएंगे और बिलाल के ऊपर अपना हक जमाएंगे। आप फिक्र ना करें, कोई वापस नहीं आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जरूर जाएगा अपने माँ बाप को मनाने, लेकिन वो कभी उसको माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्यों माफ नहीं करेंगे? क्योंकि वो अभी तक मुनी की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराते हैं, और आपको तो पता है ताई अम्मी और ताई अबू कितना प्यार करते थे मुनी से। वो वापस नहीं आएगा। से वो गई है, आप बार बार घड़ी देख रही हैं। क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आ जाएगी। बेटा बस अकेली गई है, जलाल साथ गया होता तो इतनी परेशानी ना होती। आ जाएगी। सारा इंटरव्यू इतनी देर क्यों हो गई? अम्मी इतने परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? इंटरव्यू सही नहीं किया? नहीं अम्मी, इंटरव्यू तो अच्छा था, लेकिन कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गई थी वो कंपनी फुरकान की है। क्या
मैं कम इन सर? यस प्लीज। राशिद साहब, ये जो कैंडिडेट रोशना जलाल अभी गई हैं, इनका इमीडिएट ज्वाइनिंग का लेटर बनवा दीजिए और इनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा दीजिए। लेकिन सर, अभी तो इंटरव्यूज कंप्लीट नहीं हुए। आई नो, आप तमाम कैंडिडेट्स को कह दीजिए कि हमने कंपनी ने असिस्टेंट मैनेजर को हायर कर लिया है और मजीद हम इंटरव्यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे अगर ये बात पहले पता होती कि वो कंपनी फरकान की है तो मैं कभी वहां अप्लाई ना करती। क्या क्या सोचा था, अबू का सहारा बनूंगी, उनकी जिम्मेदारियां बांटूंगी, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, अब किसी दूसरी जगह जॉब देखनी पड़ेगी। मैं जल्द से जल्द अब्बू का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सुनकर खुशी भी हो रही है और दुख भी। तो किस बात का कि बेटे होते हुए भी हम लोग कितने बेबस हैं। और खुशी इस बात की कि तुम हमारे साथ हो। अपने अब्बू के कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए। रोशना, ये सोच बेटों की क्यों नहीं होती? क्यों पैरों पे खड़े होते ही सबसे पहले माँ बाप के पांव के नीचे से जमीन खींच लेते? तरबियत तुम सबकी एक जैसी थी, लेकिन उनमें से एक भी आज हमारे साथ नहीं। क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्यों मुझको सताए औलाद ये। हेलो, जी रोशना बात कर रही है। जी जी ठीक, खुदा हाफिज। किसका था फोन बेटा? जॉब मिल गई है।
हाल में तुम मना कर दो। लेकिन अम्मी, ये तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी में यूं नखरे तो नहीं किए जाते, जो मिल जाए उसमें शुक्र अदा किया जाता है। रही बात फुरकान की, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अम्मी, आप अब्बू को मत बताइएगा। नहीं बेटा, बहुत नाराज होंगे। अम्मी, मैं उनको मना लूंगी, उनकी नाराजगी की परवाह मत करें आप। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जी तो रहो बेटा, खैरियत है? वो अम्मी अबू से मिलने के लिए आया था। क्या? वो तो अभी यहाँ नहीं रहते, वो लोग तो चले गए। चले गए कहाँ? आफरीन आई थी, वो उनको लेके चली गई। भाभी, सही अंकल, मैं देखता हूँ। जाओ जी। जब केस बहुत मुश्किल है। एक और वकील बताया जहीर ने, मैं उससे बात करूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, आफरीन को उसको वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। जाओ उसके पास। तसल्ली देने के लिए कह तो दिया मैं, मगर केस वाकई बहुत मुश्किल है, जमानत बहुत मुश्किल से होगी। कैसे होगी, कहां से होगी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने किसी कॉलीग से बात करी? कॉलीग? किस कॉलीग से बात करूं? जिससे बात करो
वो पहले से ही अपनी मजबूरियों की लिस्ट बनाए बैठा होता है। कुछ को लिख तो नजरें भी नहीं मिलाते हैं कि मैं उनसे कुछ मांगना। हमेशा से मेरे हाथ को देने की आदत रही है, तो किसी के आगे हाथ फैलाते हुए मौत आ रही है। बाप होने की जिम्मेदारी है, निभाऊंगा। संभालिए खुद को। कैसे संभालो खुद को रोशना? वहां खुर्रम जेल में पता नहीं किस हाल में होंगे, और बच्चे, उन्हें तो मेरे झूठे दिलासों से अब तसल्ली भी नहीं होती। मैं एक बार खुर्रम को देख लूंगी ना, मुझे सुकून आ जाएगा। मुझे मिलना है खुर्रम से, प्लीज। भाभी शायद अब आपको नहीं जाने देंगे मिलने के। तो क्या करूं? कैसे संभालो खुद को? मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से खोखली हो गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे खुर्रम से मिलना है। भाभी प्लीज संभालिए खुद को, रोना प्लीज। ये पानी पीजिए, ये पानी दे। ये जो अपना पसीना एक करके हमने तुम्हें ताली दिलवाई, खुद बसों के धक्के खाए और तुम्हें बाइक लेकर दी। तुम भाइयों को पढ़ाई करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए, इसलिए तुम्हारे कमरे में एसी लगाया। हालांकि इतनी तनख्वाह नहीं थी मेरी कि भारी भारी बिल अदा कर सकूं। सुबह कॉलेज में पढ़ाता था और शाम को मुख्तलिफ घरों में जाके ट्यूशन दिया करता था, ताकि तुम लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में तालीम दिलवा सके। खुद लुंडा के कपड़े पहने हमने और तुम्हें ब्रांडेड कपड़े पहनाए। तो फर्ज बाप करता है, फर्ज था आपका, और मैंने कोई डिमांड नहीं की थी आपसे। यानी हम डिमांड करते हैं तुमसे? की डिमांड करते हैं आप मुझसे? 2 लाख रुपए तनख्वाह है, 1 लाख देता हूं इस घर में मैं। क्यों? इसलिए कि आप बूढ़े हो गए और जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते इस घर की। बेटे हो तुम, इसलिए हिसाब किताब कर सकते हो। हालांकि एक बाप अपनी औलाद के लिए जो कुछ करता है वो बेहिसाब बातें हैं। सिर्फ ये, सिर्फ बातें हैं। हिसाब आपने भी बड़े रखे हैं। अगर तुम्हें लगता है बेटा कि गलती मेरी है, तो बेटा मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग, अपने अल्फाज वापस लेता हूं बेटा। अगर खुदा के वास्ते अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ के मत जा। तुम भी अपनी ममता का गला खोद दो, जिस तरह मैंने अपनी शफकत का गला खोटा है। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है तू
में तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। आप लोग यहां खैरियत? आपका तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं। हम तुमसे मिलने नहीं आए, अहमद को देखने के लिए आए। अहमद मेरा बच्चा है। जब आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है तो अहमद से कैसा ताल्लुक? नजदीक है कितनी छांव। बेटा मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, देर कर दी तुमने। मीटिंग में था, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, फारिग थोड़ी होता हूँ। हो नजदीक है कितनी छांव तेरे, माँ बाप है दोनों पांव तेरे, क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा, ऐसा लगता है क्यों चैन खोने लगा। खाना भी नहीं खाया, ये चाय पी ली। अब्बू बाहर बिलाल आया आप लोगों से मिलने। बिलाल यहां क्यों आया? पता नहीं। नहीं बेटा, जाओ उसे कह दो हमें नहीं मिलना उसे। लेकिन अबू, मैंने कहा कि उसे मना कर दो, या हम चले जाएं यहां से। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं मना कर देती हूँ। रुको आफ्रिन, आप मारे, आपको जितना मारना है मार लें, पर प्लीज मेरे साथ चलें। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? गुना किया तुमने, गुना। दफा हो जाओ यार, दफा हो जाओ।
इसे को चला जाए। मैं आपको लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मेरी मजबूरी थी, मैं डर गया था। मजबूर थे, मेरे बच्चे की जान खतरे में थी, थोड़ा एहसास करें। झूठ है ये, मुनी कभी ऐसे नहीं कर सकती। मजबूर थी। तुम खुद बताओ, कितना गरीब थी ना वो तुम्हारे, उससे जितना मर्जी गुस्साओ लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारी बीवी पे हमला करेगी? जवाब दो इस बात का। बेटा तुम किसको सुझा रही हो, किसको समझा रही हो? ये तो सिर्फ अपनी बीवी की आंखों से देखता है, कानों से सुन, किसको सपना, टाइम मत वेस्ट करो। रब्बा निकलो यहां से, खुदा के वास्ते निकल जाओ, और आईना अपनी शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना। रब्बा निकलो, निकलो। ममता के आंचल में जीता रहा, समझा न जन्नत का ये रास्ता। ममता के आंचल में जीता रहा, समझा जन्नत का ये रास्ता। मेरी कोख से जन्मा क्यों दुख दे दिया, मेरे दूध का कर्ज भी दे ना सका। ममता कैसी ममता, रग दिख जिसने वो है। मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। मुझको झुलाओ ना झूला रे।